नहीं आ पाते राजी जी। अरे हमारी शादी तो नहीं अरे भाई को लो तो यार दुल्हन हम नहीं ले जाएंगे। अरे बाप रे हम डर गए। हम लोग फिर बच्चा क्यों डरा है? हम लोग दुल्हन नहीं ले जाएंगे। बच्चे का एक्सपीरियंस नहीं है अभी। हाँ मैं बच्चे का एक्सपीरियंस ये राइडिंग तेरे भाई ने फिर तो तुम लोग भागना पड़ेगा। लोग इनको सता रहे भाई बस ठीक है चलाएगा कौन जवान है। अरे अंकल नहीं है वो मेरा भाई है जवान है मेरा भाई अभी मेरी वेब सीरीज में हीरो बन गया है। अरे भाई क्या बोला तू भगाओ मुझे क्या होता है भिखारी है क्या भगाओ बोला थोड़ा पीछे ले लो। अरे ऐसा नहीं गलत बात मत कर ये कौन है भाई। अरे गलत आप थोड़ा थोड़ा पीछे भाई भाई चलो बाइट कर लो जिसको करना है। राजी जी उसको करने दो आप बाइट क्यों करना है उसको करने का है क्या क्या वो क्या पूछेगा शादी में क्यों आए हो? अरे हमारी शादी थोड़ी है जो पूछेगा बस यही तो पूछ रहे हैं भूल के आए थे ना आप वो बाइट बोल दिया ना तो सब लोग एक जनता बैठ ले लो। हाँ ये सही है चलो चलो खड़े हो यहाँ पे रख दो ना नहीं वो मत रखो वो नहीं रखो वो मत रखो ऐसे ऐसे एक सेकंड माइक चलो बोलो अभी आपको शादी में कैसे लगा खुशियाँ आने के? हाँ जी शादी में आके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा कि हमारी ही बारात आ रही है। हमारी कभी बारात ही नहीं आई। हमारे साथ तो लड़के छुप छुपा के शादी करते हैं बट आप क्या कुछ फील कर रहे हो शादी में आने के बाद? थोड़ा इमोशनल है हम समझ सकते हैं बट आपका एक सेंटेंस भी जरूरी है। क्या कुछ आपकी ख्वाहिश थी ऐसे शादी करने की जो जिस टाइम मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मेरे भी हाथों में मेहंदी लगे संगीत हो बारात आए दुल्हन आए वैसे मेरे लिए भी अच्छे बाराती आए बट ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा ज़िंदगी में फेल रही हूँ शादी के मामले में प्यार के मामले में हमेशा फेल रही हूँ। वैसे तो आप काफ़ी सक्सेसफुल हो इंडस्ट्री के अंदर हर कोई आपका नाम जानता है हर कोई इंसान के समाज में आपका नाम है लेकिन आज आपके लुक की बात कर रहा हूँ। आप आदिल ने हमसे बहुत वादा किया था कि एक दिन वो ऐसे शादी करेंगे लेकिन अभी वो ससुराल में है और आदिल सब कुछ झूठ बोला था सारे वादे झूठे किए थे इसीलिए हर शादी में मैं दुल्हन बन के आती हूँ। जहाँ पर भी शादी में जाती हूँ मैं ऐसे ही दुल्हन बन के ही जाती हूँ। पता नहीं वहाँ पे शायद एक अच्छा दूल्हा मिल जाए। राखी जी हमें ये दोबारा देखने को मिल सकता है क्या? दूल्हे के बाद आज भी है राखी जी अगर आप शादी करेंगे तो ऐसे ही माहौल रहेगा अगर आप शादी करती हैं? नहीं अब हम कभी शादी नहीं करेंगे। भाई क्यों? मतलब
फिर आकर क्या बोल रहा है राखी जी दानिश की दादी एक मिनट एक मिनट दानिश चलो पब्लिक मत बहुत बड़ी फैन है बाजी थोड़ा सा पीछे बाजी ओके ओके अभी एक एक करके आओ जाओ हां भरी सारी औरतें आ जाए एक एक करके अरे परेशान करते हैं लोग भाई भाई थोड़ा रुक जाना तुम लोग यार चलो अभी लोग जा रहे हैं घर अभी जाए हम लोग निकल रहे हैं घर पे अरे तुम लोग के पास एक गाड़ी है क्या हमारा कोई स्वागत नहीं है बेटा चल तेरे से तू छोड़ दे चलो राखी जी शेर मिलते हैं बोलिए चाचा इधर इधर बैठिए चाचा हेलो हाँ चाचा भाई बैठिए चाचा एक शेर बोल रहे हैं चाचा फंस गए क्या 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 भाई करना इनके ये बोल रहे हैं इनके साइन के लिए बोलिए ये बोलिए बोलिए आजा आजा बापू दा दिल्ली के कशाने में नजे आके बोलो आजा 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 बापू दा दिल्ली के कशाने में दिल्ली में चलो बड़ी मुतसर तमन्ना तुमसे मिलने का आज तुम्हें जमाने ये इसके पहले जो बोले वो बोलो साजिद भाई चलो निकलो बहुत हसीन ये हुस्न तेरा बेमिसाल है क्या कहने खुदाए पाक तेरे हुस्न की हिफाजत रखे क्या कहने क्या बात है अंकल बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलो चलो बस बस बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा अरे सुनना वो कहां गया पांडे तू लेके जा रहे कहाँ गया ये पांडे पांडे नहीं वो लड़का था ना उसके पास कार है अपना अरे वो अंकल छोड़ेंगे ना कहाँ गए अंकल क्या हुआ वो अंकल छोड़ेंगे सही नहीं चल रहा अरे राखी जी नाराज हो गए नाराज हो गए नहीं नहीं बाहर अंदर आ जाओ फिर निकल ठीक है अभी बाहर बहुत भीड़ है बहुत भीड़ है